हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। आज मैं आपके लिए लाया हूं कि ये IFBB की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसका आज हम आपको डिटर्जेंट हाउसिंग कंटेनर चेंज करके दिखाएंगे। इसका जो डिटर्जेंट हाउसिंग कंटेनर वो टूट गया है। जब वॉशिंग मशीन चलती है तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, उसको चेंज कैसे करना है इसी पे वीडियो, पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना। तो चलो हम स्टार्ट करके वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ऊपर का कवर है इसको खोलना, उसको खोलने के लिए दो स्क्रू लगे होते हैं, उन दोनों स्क्रू को हमें खोलना है, दो हैं। तो फर्स्ट ये हो गया, इसके बगल में सेकंड रहता है और ये दूसरा है। इन दोनों को खोल के फिर इसको हमें पीछे की तरफ थोड़ा खींचा और ऊपर की तरफ उठा लेना है, यानी कि पीछे की तरफ थोड़ा सा हल्का सा खींचना है और फिर ऊपर उठा लेना है। उठाते ही ये देखो आगे की साइड निकल गया और खुल गया, ऊपर का ढक्कन खुल गया। अब हमें इस केबल टाई को काटना है, क्योंकि ये डिटर्जेंट हाउसिंग कंटेनर बहुत पहले टूट गया था, फिर भी हम इससे काम चला रहे थे, तो इसी को हमें चेंज करना है। तो इसके ये हमारे पास नया है, ये बिल्कुल न्यू आया है, IFBB से है, ये फेसिया भी आई हुई है। तो इसमें कई पार्ट टूटे हैं, तो आप मैं एक एक वीडियो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम डिटर्जेंट हाउसिंग कंटेनर के बारे में आपको बना के दिखा रहे हैं। ये हमारे पास नई फेसी आई हुई है जिसपे हम डिस्प्ले लगाते हैं, तो इसकी भी हम अगली वीडियो बना के दिखाएंगे आपको कि इसका जो PCB होता है कैसे चेंज करना है। तो इसको हमें जो डिटर्जेंट हाउसिंग कंटेनर चेंज करने के लिए हमें इस फेसिया को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस डिस्पेंसर को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसका जो PCB का कनेक्शन है इसको हटा देंगे। ये इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, थोड़ा इसमें हम टेस्टर डाल के, और ये खींच दिए, निकल गया पहला। इसमें तीन होते हैं और ये दूसरे को प्रेस करेंगे और खींच लेंगे, और इसको भी हल्का सा प्रेस करके नाखून से ये निकाल लेंगे, तीनों निकल गया। अब हम इस यहाँ प्रेस करेंगे और तीनों पे हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये जो फेसिया लगा हुआ डिस्प्ले पूरा कंप्लीट ही सेट बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से जितने लाख थे लाख सारे खुल गए और ये बाहर आ गया है, पूरा फेसिया के साथ PCB भी बाहर आ गई। अब हमें इस डिटर्जेंट हाउसिंग कंटेनर को खोलना है, तो ये क्लैंप निकालना है, यहां से हमें क्लैंप निकाल के इस पाइप को डिस्कनेक्ट कर देना है। और फिर यहाँ पे दो स्क्रू खुले हुए हैं, ये लॉक टूट गया था इसीलिए ये बार बार हिलता रहता था ये कंटेनर। तो इसको हमें निकालने के लिए एक इसके नीचे ये नए हमारे पास है, ये आया हुआ है, बिल्कुल देख लो, यही जो टूटा था इसमें लॉक, यही ये लॉक टूटा था इसलिए ख़राब हो गया था।
तो इसी को हमें लगाना है। तो इसको लगाने के लिए हमें एक नीचे पाइप होती है टबोस, ये देखो नीचे काले रंग की है, तो इसे हमें पहले इसको खोलना है। तो ये खोलते ही ये डिटर्जेंट हाउजिंग कंटेनर बाहर आ जाएगा, फिर हम आसानी से खोल लेंगे। तो यहाँ पे स्प्रिंग होगी, उस स्प्रिंग या क्लैंप को, क्लैंप है, उस क्लैंप को दबा के और उस जो उसमें पाइप लगी है टबोस पाइप उसको कहते हैं, उस पाइप को हमें निकालना है। आसानी से ये निकल जाएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो फिर से इसमें बहुत जगह कम होती है। ये देखो निकल गया, ठीक। अब आसानी से इसको हम ऊपर की साइड उठा लेंगे इसे, ये भी कलम निकाल दिए हैं और ये पूरा खाली हो गया। अब ये दो पाइप लगी हुई है इसमें, इस क्लैंप को हमें पीछे की साइड ले लेना है और इस क्लैंप को भी हमें पीछे साइड ले लेना है। यहाँ से दबाएंगे प्लास से और इसे हम इधर कर देंगे और ये दूसरा वाला भी। पीछे साइड ले लेंगे इस तरह से। अब इस पाइप को निकालना है, ये पाइप जब ये क्लैंप लगता है तो बिल्कुल चिपक जाती है, इसको थोड़ा मेहनत से इस पाइप को हमें खोलना है। तो इसको थोड़ा सा हम घुमाएंगे, इसको घुमाने के बाद ये आसानी से पाइप निकलेगी, लेकिन थोड़ा टाइट है अभी। तो अब इसको हम ऐसे दोनों साइड पकड़ के इसको हम इस तरह से, देखो पाइप निकल गई, पहली भी और दूसरी भी। इसको भी हम घुमा घुमा के निकालेंगे, बाहर करेंगे। और ये निकल गई। अब ये टबोस पाइप को भी निकाल लेना है। देखिए जैसे आप इसको खोले हैं उसी तरह से इसको निकालना है, ध्यान रहे, ठीक है। इसको हम दबाएंगे प्लास से और पीछे खाली निकल के बाहर हो गई, ये टूटा हुआ था। तो इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे नया डिटर्जेंट हाउजिंग कंटेनर, ये नया हमारे पास है, हम इसको लगाएंगे। देख रहे हो पूरा कंप्लीट ही आ गया है। सोप ट्रे को बाहर निकाल देंगे। अब हम पहले इस पाइप को लगाएंगे, ये जो टबोस पाइप है उसको हम लगाएंगे। जैसे था आपको उसी तरह से पाइप को लगाना है, नहीं तो आप फिर परेशान हो जाओगे बैठाते समय। इस क्लैंप को अंदर कर लेंगे और इसको लगाएंगे। इसको बैठाने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसको हम मशीन के ऊपर, देखो हम इसको बैठाते हैं, तो इसको हम नीचे लेके बैठाते हैं ये, और प्रेस करेंगे दबा के इसको आराम से बैठा देना है। और ये देखो बैठ गया। तो इसको जिस दिशा में खोले थे आप उसी दिशा पे इसको लगाना है। अब हम इस टबोस पाइप को इसमें पहना देंगे बढ़िया से, दोनों पाइप को, जो जिस पाइप नली में थी पाइप में उसी को इस पर लगाना है। और ये लग गया। अब इस क्लैंप को हम चढ़ा देंगे इसके ऊपर, प्रेस करेंगे और इसको इधर खींच लेंगे, ये हो गया। और ये दूसरा वाला भी इस तरह से, और ये लग गया। अब हम इस जो खांचा टूटा था उसको हम उसी पे बैठाएंगे।
तो अब इसकी जो नीचे वाला क्लाइंप है टबोज, इसको आपको थोड़ा सा सावधानी देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लगने में परेशान करता है। तो ये देख रहे हैं इसमें क्लाइंप चढ़ा हुआ, क्लाइंप को पिलास से दबाएंगे, दबा के आपको फिर उसे बैठाना है उसी पे ही। देखो सटक जाता है बार बार, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, चोट ना लगे और अब बैठ जाएगा। अब इसको हम पिलास की, क्योंकि इसमें गैप कम होता है, गैप ना होने के कारण पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होती है हमें। अब देखिए बैठ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल बैठ गया है। तो इसी प्रकार से आपको इसको लगाना है। अब इसको इसमें आपको फंसा देना है और इस लॉक को भी, लॉक लग गया है जो टूटा हुआ था, नया हो गया है ये। ये देखो बिल्कुल नया हो गया। इस पाइप को भी क्लंप हम लगा देंगे जो ये खोला हुआ था, इसको प्रेस करेंगे और ये आगे तरफ आके बस बैठा देंगे। अब हम इस जो फेसिया था डिस्प्ले, उसको उठा के हमें अब लगाना है। चलो इसको हम उठाते हैं और इसको अब इसमें हम लगा देते हैं। तो इसको हम एक बार इसमें केबल टाइप बांध देते हैं ताकि इसमें झटका ना लगे, जो चलते समय कभी कभी वाइब्रेशन होता है तो ये टूट जाता है। तो इस पर हमें बढ़िया से केबल टाइप मार के इसको टाइट कर देंगे हम। तो चलो हम इसको लगाते हैं। डिस्प्ले को लगाने के लिए जो फेसिया है, लॉक के सामने लॉक को आपको बैठाना है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए, तीन, चार, चार लॉक हैं इसमें। इन चारों लॉक को हमें उसी के सामने जो इसमें लॉक हो तो उसके सामने बैठा के इसको प्रेस करना है। तो ये बिल्कुल सामने है और इसे हमें बैठाना है। देखिए इस लॉक को उसके सामने, उसी के सामने, और ये भी उसी के ही सामने इसको बैठाना है। और फिर हल्का हल्का इसको हमें बैठा देना ठोंक के। नज़ारा थोड़ा इसमें, हाँ, स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करके इसको लॉक के, और ये बिल्कुल बैठ गया। देखिए बैठ गया है बिल्कुल, ये देखो। अब इसमें हमें जो दो स्क्रू लगे होते हैं, ये देखिए एक और दो, इन दोनों स्क्रू को हमें बैठा देना है। एक ये हो गया, तो ये इसी पे इसको हमें टाइट कर देना पड़ेगा। दोनों स्क्रू हैं, और ये दूसरा हो गया। पतला है ये, सही नहीं बैठ रहा है, तो दूसरा लगा देंगे हम इसे। इसको हम दूसरा लगा के और टाइट करेंगे। ये अच्छी तरह से लग गया, इसको बढ़िया से हम टाइट कर देंगे। तो ये दोस्तों बिल्कुल टाइट हो चुका है।
अब इसमें हम डिस्पेंसर डाल देते हैं या डिटर्जेंट बॉक्स को इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। देखें ये भी नया है बिल्कुल। ये बिल्कुल बैठा है, चेक कर लेते हैं, बैठ गया है बिल्कुल। तो इसका एक पार्ट था, इसको भी हम बैठा देंगे। और अब सोप ट्रे को हम लगा लेंगे, सोप ट्रे पुल कवर। ये पुल कवर है, ये भी नया ही लगा रहा हूँ क्योंकि इसका काफ़ी पार्ट टूट गया था, सोप ट्रे भी टूट गया था, डिटर्जेंट हाउसिंग कंटेनर भी टूट गया, और ये सोप ट्रे पुल कवर, इस कवर को भी हम नया ही पुल कवर लगा रहे हैं। इसकी भी हम पहले वीडियो बना रखे हैं कि इसको कैसे लगाना है पुल कवर को। और ये बैठ गया है, तो ये बिल्कुल अब रेडी हो गया है। देख लो कितना अच्छा ये बैठ गया है। तो इसको एक बार हम चला के चेक कर लेते हैं कि अब इसका कनेक्शन कर देते हैं इसका। नोब सही बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम कनेक्शन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले का जो कनेक्शन था उसको कर देते हैं। ये यहाँ सप्लाई हो गया, और फिर ये जो जिसका था उसी में लगेगा, दूसरा और किसी पे नहीं लगेगा। तो जो जिसमें लगा था वो वहीं लगेगा, अन्यथा वो दूसरे पे नहीं लगेगा। और ये पूरा कनेक्शन भी हो गया है। अब हम एक बार डिस्प्ले को बाहर ही चेक कर लेते हैं। तो चलो दोस्तों, नोब को हम घुमाते हैं। हाँ, MCB उठा देते हैं, MCB उठा दी। अब फिर अब हम इस नोब को घुमाते हैं और देखते हैं कि हाँ बिल्कुल कनेक्शन भी सही हो गया, सप्लाई भी पही आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।